हेलो दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूँ आपका पोलवन कोचिंग क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने देखा एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स का। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिक्स की, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा बेसिक ऑपरेशंस इन मैट्रिक्स। सो सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे नजर डालते हैं, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स होते क्या है, तो बेसिकली हमने देखा है जो भी एल्जेब्रिक हमारे ऑपरेशंस होते हैं वही ऑपरेशंस हमें मैट्रिक्स में भी पढ़ने होते हैं। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले बात कर लेते हैं एडिशन की, मतलब एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, अब दो मैट्रिक्स का एडिशन हम कैसे कर सकते हैं, तो हमने सिंपली बचपन में छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ था कि 2+2=4, 5+5=10। उसके अंदर हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं थी, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। बट जब हम ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास कुछ लिमिटेशंस होती है। लिमिटेशंस कैसे, कि लेट सपोज हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए और कोई एक दूसरी मैट्रिक्स है बी, इन दोनों का एडिशन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। डायरेक्टली कैसे नहीं कर सकते, तो हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्या है कि जब भी हमारे को दो मैट्रिक्स की एडिशन करनी होगी तो उसके लिए इन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। मीन्स जब भी हमें एडिशन करनी होगी दो मैट्रिक्स की, तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर m इंटू एन होना चाहिए और जो मैट्रिक्स बी है उसका भी ऑर्डर m इंटू एन होना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ रोज इन ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स बी। अब ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब मैं एक छोटा सा एक बेसिक एग्जांपल देता हूं, तो लेट सपोज एक मैट्रिक्स है ए 2, 3, 5, 6, 7, 8 और एक मैट्रिक्स है हमारे पास बी 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमने मैट्रिक्स ए को देखा तो मैट्रिक्स ए में मुझे दिख रहा है कि इसके अंदर कितने कॉलम है, दो, मतलब टू, और कितनी रो, सॉरी कितने रोज है, दो, और हमारे पास कॉलम कितने है, तीन, 1, 2, 3। हमारे पास दो रो है और तीन कॉलम है, तो हमने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी कि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम 2 बाय 3, 2 बाय 3। तो अब मैं इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकता हूँ, तो जब मैंने इसका एडिशन करा तो एडिशन जो होगा हमारा बिल्कुल सिंपल होगा और एलिमेंट टू एलिमेंट होगा, ये इससे, फिर ये इससे, फिर ये इससे, एलिमेंट टू एलिमेंट, 6 का 4 से 7 का 5 से और 8 का 6 से। तो हमने एलिमेंट टू एलिमेंट अब करा, तो कैसे करेंगे रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे ध्यान से देखना, 2+1, 2+1 फिर 3+2 फिर 5+3 ब्रैकेट क्लोज, 6+4, 7+5 और 8+6। अब इन जब इन तीनों को मैंने ऐड करा तो हमारे पास क्या आ गया, 3, 10, 5, 12, 8 और 14। तो अब जो हमारी ए प्लस बी की जो मैट्रिक्स आई वो क्या है हमारे पास, 3, 5, 8, 10, 12 और 14। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, इन दोनों का ऑर्डर सेम था, इसीलिए यहाँ पे जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आई है इसका भी ऑर्डर हमारे पास सेम है, 2 बाय 3। अब यहाँ पे एक और चीज नोटिस करने वाली ये है कि मैंने देखा कि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो अब इसको मैं जनरल वे से कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कि लेट सपोज देयर इज अ मैट्रिक्स ए aij and matrix b bij, then the addition of these two matrix a plus b is equal to d, net कर लिया मैंने, और ये जो d होगा वो क्या होगा, b sorry dij, इसका भी order same और जो इनका resultant आया इसका भी order same, तो मैं इसको इन general term में कैसे लिख सकता हूँ, d is equal to dij is equal to aij plus bij।
ith रो और jth कॉलम, तो ये हमारा इन जनरल टर्म में रिप्रेजेंट हो गया। अब हमने एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स देख लिया, अब हम बात करते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स की। अब नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें डिफरेंसेस ऑफ टू मैट्रिक्स भी देखना है। जैसे हमने यहाँ पे एडिशन सीखा, अब हम सब्सट्रैक्शन देखेंगे। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, अब सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स में हमें एक चीज देखनी है, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। तो अब बेसिकली नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है, तो ये कुछ ज्यादा खास चीज होती नहीं। लेट सपोज कि एक मैट्रिक्स है मेरी ए, टू थ्री फोर और फाइव, और जो एलिमेंट्स हैं इसके वो क्या है, माइनस थ्री, यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लगा दिया और यहाँ पे ही लगा दिया, तो ये क्या है, टू माइनस थ्री माइनस फोर और माइनस फाइव। अब अगर क्वेश्चन में हमें बोला जाए कि मेक द मैट्रिक्स ए नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, तो हम क्या करेंगे, माइनस वन से इस ए की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो जब मैंने इस मैट्रिक्स की माइनस ए से मल्टीप्लीकेशन करी तो हुआ क्या, ये जो माइनस का साइन है ये हर एक एलिमेंट पे चला जाएगा। कैसे, तो माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस वन, टू से मल्टीप्लाई होगा माइनस वन आपका, माइनस थ्री से मल्टीप्लाई होगा माइनस वन आपका, माइनस फोर से मल्टीप्लाई होगा और माइनस वन आपका फाइव से मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई करा मैंने तो मेरे पे रिजल्ट क्या आया, माइनस टू, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया थ्री, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया फोर, और माइनस इंटू फाइव माइनस फाइव। तो हमने देखा यहाँ पे हमारा माइनस ऑफ ए क्या आया, माइनस टू थ्री फोर माइनस फाइव। तो कुछ नहीं है, बेसिक सिंपल सी चीज है कि अगर किसी मैट्रिक्स को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके हर एक एलिमेंट में माइनस का चेंज आएगा। अब हमने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स देख लिया, अब हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में भी हमें सिंपल एडिशन वाला ही फॉर्मूला यूज करना है, कॉन्सेप्ट यूज करना है। इसके अंदर भी हमारी अगर कोई मैट्रिक्स ए है ए आई जे और एक मैट्रिक्स है हमारी बी बी आई जे, अगर हमें इन दोनों मैट्रिक्स की सब्सट्रैक्शन करनी है तो इन दोनों का ऑर्डर हमारे पास सेम होना चाहिए। तो अब मैं एक एग्जांपल लेके अगर बताऊं, तो अगर एक मैट्रिक्स ए है टू थ्री फोर फाइव और एक मैट्रिक्स है बी सिक्स नाइन एट सेवन, अब सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि इनका ऑर्डर सेम है या नहीं। तो हमने देखा इसका भी ऑर्डर टू बाई टू है और इसका भी ऑर्डर टू बाई टू है, तो मतलब ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू टू थ्री फोर फाइव माइनस सिक्स नाइन एट सेवन। अब हमें माइनस करना कैसे वो ध्यान से देखते हैं हम। तो यहाँ पे टू है, जो टू है वो इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब सिक्स से माइनस होगा, जो थ्री है वो एट से माइनस होगा, जो फोर है वो नाइन से माइनस होगा और जो फाइव है वो सेवन से माइनस होगा। तो टू माइनस सिक्स थ्री माइनस एट फोर माइनस नाइन और फाइव माइनस सेवन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। टू माइनस सिक्स हमारा क्या हो गया माइनस फोर, फोर माइनस नाइन क्या हो गया माइनस फाइव, फाइव माइनस सेवन क्या हो गया माइनस टू, और थ्री माइनस एट क्या हो गया हमारा माइनस का फाइव। अब नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हमने क्या सीखा था कि किसी भी एक मैट्रिक्स ए में अगर हम माइनस वन की मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो सारे एलिमेंट माइनस माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इस आंसर जो हमारा आया ए माइनस बी का, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से माइनस वन कॉमन ले सकते हैं। तो जब मैंने माइनस वन अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आया, फोर फाइव फाइव और टू। तो ये लेना कंपल्सरी नहीं है, बस हमने अभी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा उसके लिए मैंने आपको ये बता दिया। तो ये हो गया हमारा सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। इसी तरीके से हमारे पास अगर थ्री बाय थ्री की ऑर्डर की मैट्रिक्स हो तो भी हम सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इससे बड़ी मैट्रिक्स हो तो भी हम सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इसके आगे हम और भी क्वेश्चन देखेंगे इसके एक्सरसाइज में। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, तो ये जो प्रॉपर्टीज की अभी मैं बात कर रहा हूँ ये प्रॉपर्टीज होंगी एडिशन के लिए। तो एडिशन के लिए जो सबसे पहली एक प्रॉपर्टी होती है उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है हमारा, कि अगर हमने दो मैट्रिक्स ए और बी
को जब ऐड कराओ, इसका जो भी आंसर आएगा वो इक्वल होगा अगर हम मैट्रिक्स बी में ए को ऐड करें तो। मतलब 2+3 करें तो भी बात 2+3 करें तो भी हमें 5 मिलेगा, या 3+2 करें तो भी हमें 5 मिलेगा। तो सेम चीज यहाँ पे कह रखी है कि अगर ए प्लस बी करेंगे तो भी हमें रिजल्ट वही मिलेगा जो बी प्लस ए करने पे मिलेगा। दूसरा लॉ हमारा क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो अगर हम ए प्लस बी को सबसे पहले ऐड कर लें, ए प्लस बी को मैंने ऐड कर लिया, उसके बाद उसके अंदर इनका जो रिजल्ट आया उसको मैंने प्लस सी में कर दिया, तो हमारा आंसर सेम आएगा जब हम ए प्लस बी प्लस सी में सबसे पहले बी प्लस सी को ऐड कर दे फिर ए को ऐड कर दे। तो सेम कॉम्यूटेटिव लॉ ही कह रहा है, बट यहाँ पे हमारे पास तीन मैट्रिक्स इन्वॉल्व हो जाएंगी। थर्ड हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या कहता है कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर मैंने ऐड करा माइनस ए मैट्रिक्स, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एक जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मैंने बताई थी इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि कोई भी एक मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, और जिसकी रिप्रेजेंटेशन हम कैपिटल ओ से करते हैं। कैपिटल ओ जहां पे भी आपको दिखे इसका मतलब क्या है, वो एक जीरो मैट्रिक्स है। तो जब मैंने ए प्लस माइनस ए करा तो मेरे को एक जीरो मैट्रिक्स मिलेगी। इसी तरीके से अगर मैंने माइनस ए में ऐड करा ए तो भी मुझे एक जीरो मैट्रिक्स मिलेगी। तो यहाँ पे जो हमारा जीरो मैट्रिक्स आएगा दोनों ही केसेस में, तो यहाँ पे जो माइनस ए है उसको मैं क्या लिखूंगा कि माइनस ए इज ए एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो अगर ये समझ में नहीं आया हो तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि 1+-1 क्या होता है हमारा, जीरो, और अगर -1 में अगर 1 ऐड कर दूं तो भी क्या आएगा आंसर हमारा, जीरो। तो इस केस में जो -1 है वो एडिटिव इनवर्स कहलाएगा एक 1 का। तो सेम यही चीज है जो यहाँ पे अप्लाई हो रही है। एक और इसकी एक और प्रॉपर्टी है वो देखते हैं हम, तो प्रॉपर्टी 4 जो है हमारी वो क्या कहती है कि अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर अगर मैं जीरो मैट्रिक्स ऐड कर दूं तो भी हमें आंसर में क्या मिलेगा, ए, और अगर जीरो मैट्रिक्स में अगर मैट्रिक्स ए ऐड कर दूं तो भी हमें आंसर क्या मिलेगा, ए। और मैंने बताया था ओ क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है बेसिक सी जो आपको सिर्फ ध्यान में रखनी है, इनका कुछ ज्यादा खास यूज है नहीं। क्वेश्चंस में हम देखेंगे इनका कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान में रख लेना, एडिशन के लिए एक कॉम्यूटेटिव लॉ होता है, एक एसोसिएटिव लॉ होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स होता है, और एक ए प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो ए प्लस ए होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स से पहले हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी बाय मैट्रिक्स देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर क्वांटिटी, अब स्केलर क्वांटिटी से हमारा मतलब क्या है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वगैरह, इन सबको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी जो होती है हमारी उसको हमने किससे रिप्रेजेंट करा, के से रिप्रेजेंट करा। अब हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, इस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2, 3, 4, 5। अभी जो मेरा एक स्केलर क्वांटिटी है के, इसको मैंने इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पे मैंने क्या लिखा, के इज इक्वल टू के इंटू 2, 3, 4 और 5। तो अब ये जो k है वो इस a के हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर क्या आएगा, 2k 3k 4k और 5k। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं तो लेट सपोज इस k की जगह अगर मैं 5 रखता, तो मैंने यहाँ पे 5 रखा, तो इस 5 को मैंने k की जगह पुट करा, तो ये क्या हो गया हमारा 5a,
और इधर भी 5 × 2, 3, 4 और 5। अब ये 5 एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो गया, 10, 15, 20 और 25। तो हमने देखा ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर क्वांटिटी। अब हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। अब जो मैट्रिक्स चैप्टर के ऑपरेशंस जितने भी हमने पढ़े इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। अब इसके अंदर हमें देखना क्या होता है, तो लेट सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए 2, 3, 4 और 5 और एक मैट्रिक्स है हमारे पास बी 1, 2, 3 और 4। अब मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, 2 by 2, मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर क्या है, 2 by 2। तो अब तक हमने देखा कि जब हम मैट्रिक्स को ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, तो हमारे पास ऑर्डर हमेशा दोनों मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए। बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स में ये चीज़ भी एप्लीकेबल है। और दूसरी जो चीज़ है हमारी वो क्या देखनी है हमें, कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स ये ऑफ मैट्रिक फर्स्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स सेकेंड। मतलब जब भी हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के वो इक्वल होना चाहिए किसके, नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट वाले सेकंड वाले मैट्रिक्स के। और जो उनकी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, मतलब जो आंसर आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, वो इसके ऑर्डर का आएगा, मतलब m1 × n2। ये हमारे पास ऑर्डर आएगा जो इनकी मल्टीप्लीकेशन करने के बाद मैट्रिक्स बनेगी उसका। और मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है, कि ये और ये, मतलब फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड वाले मैट्रिक्स का रो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो मैं करके दिखाता हूँ कि हमें मल्टीप्लीकेशन कैसे करनी है। तो हम ए और बी की मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ए और बी की मल्टीप्लीकेशन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, कि क्या इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, तो हाँ है। तो अब हम इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। अब करेंगे कैसे मल्टीप्लीकेशन, तो सबसे पहले जो इसका रो वन है वो इसके कॉलम वन से मल्टीप्लाई होगा, फिर रो वन कॉलम टू से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो रो टू है वो कॉलम वन से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो रो टू है वो कॉलम टू से मल्टीप्लाई होगा। तो करके दिखाता हूँ मैं, 2 और 3, तो 2 × 2 × 1 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लीकेशन होगी सबकी, तो 2 × 1 प्लस 3 × 2। उसके बाद 4 × 1 प्लस 5 × 2, फिर वापस रो वन कॉलम टू से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 3 प्लस 3 × 4। उसके बाद 4 × 3 प्लस 5 × 4। अब 2 × 1 2, 3 × 2 6, 2 × 3 6, 3 × 4 12, 4 × 1 4, 5 × 2 10, फिर ये 12 और ये 20। अब जब मैं इसका रिजल्ट लिखूंगा फाइनल, तो हमारे पास क्या आएगा, 8, 18, 14 और 32। तो अब यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली क्या है, जो मैंने बताया था कि ये जो ए बी आया इसका रिजल्ट आया, अब इसका भी ऑर्डर क्या है हमारे पास, 2 by 2 का ऑर्डर आया। और क्यों आया, तो देखा मैं, हमने बताया था कि m1 × n2 के ऑर्डर में आएगा जो हमारा रिजल्ट आएगा। तो सिंपल है मल्टीप्लीकेशन, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, कि जो कॉलम है वो रो के इक्वल है या नहीं। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे कैसे, सबसे पहले जो रो वन होगा वो उसके कॉलम वन से मल्टीप्लाई होगा, फिर कॉलम टू से, फिर जो रो टू है वो कॉलम वन से मल्टीप्लाई होगा कॉलम टू से। तो सिमिलरली हमने मल्टीप्लीकेशन करके ऐड कर दिया और उसके बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें तीन मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी। हमें सबसे फर्स्ट वाले पार्ट में क्या करना है, ए प्लस बी करना है। तो ए प्लस बी करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, कि जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है
और जो मैट्रिक्स बी है, इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो हमने देखा कि इन दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 बाय 2 और 2 बाय 2, मतलब ये इजिली एड हो सकती है। तो मैंने मैट्रिक्स ए प्लस बी को यहाँ पे लिख लिया 2 4 3 2 प्लस 1 माइनस 2 3 और 5। अब नॉर्मल एलिमेंट टू एलिमेंट हम ऐड करते जाएंगे, तो 2 प्लस 1 3 4 प्लस 1 सॉरी 4 प्लस 3 7 3 3 प्लस माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी 1 2 प्लस 5 7। तो ये होगी हमारी ए प्लस बी मैट्रिक्स। अब इसी तरीके से हम ए माइनस बी देखेंगे, तो ए माइनस बी की प्रॉपर्टी में हमने यही देखा था कि जो हमारे पास मैट्रिक्स ए होगी और जो मैट्रिक्स बी होगी, इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो हमें पता है इन दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 3 4 2 माइनस 1 माइनस 2 3 और 5। तो अब एलिमेंट टू एलिमेंट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 माइनस 1 1 2 माइनस 3 सॉरी 4 माइनस 3 1 3 माइनस माइनस 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ एक बार, 3 माइनस माइनस 2 उसके बाद 2 माइनस 5। तो जब मैंने इसको सॉल्व करा तो क्या आया, 1 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 5 और 2 माइनस 5 इज माइनस 3। तो ये आ गया हमारे पास ए माइनस बी। अब हमने जो एक और कॉन्सेप्ट सीखा था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पे जो हमारा 3 है ये क्या है, हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। अब 3 को जब मैंने ए से मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा हमारे पास, मैट्रिक्स ए क्या है हमारी 2 4 3 और 2। जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 3 2 6 3 4 12 3 3 9 3 2 6। तो ये आ गया हमारी मैट्रिक्स 3 है, 6 9 12 और 6, इसका भी ऑर्डर 2 बाय 2 है। और हमें क्या करना है, 3 ए में से सी सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 ए हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारी 3 ए मैट्रिक्स क्या है, 6 9 12 और 6। सी मैट्रिक्स क्या है हमारी, -2 5 3 और 4, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -2 5 3 और 4। अब एलिमेंट टू एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 माइनस माइनस 2 12 माइनस 5 9 माइनस 3 6 माइनस 4, तो ये क्या हो गया हमारे पास, 8 7 6 और 2। तो ये आ गया हमारा आंसर 3a माइनस c का। अब हम देखेंगे a इंटू बी की मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले a और b की मल्टीप्लीकेशन में हमें क्या देखना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स a शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स b। तो हमने देखा इन दोनों का नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज सेम है, यानी कि 2 2 है, और जो इनका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक 2 बाय 2 की मैट्रिक्स में आएगा। तो ठीक है, हम इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों लिख दिया, तो मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, 2 3 4 और 2, और मैट्रिक्स बी क्या है हमारे पास, 1 3 माइनस 2 5 1 3 माइनस 2 और 5। तो सबसे पहले ये जो रो 1 है हमारी, ये रो 1 कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगी, फिर कॉलम 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो लिख लिया मैंने यहाँ पे 2 इंटू 1 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू माइनस 2, तो 4 इंटू माइनस 2, फिर 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। अब रो 2 जो है हमारी, वो कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या हो गया, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 2। अब 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, तो जब मैंने इसको सॉल्व करा तो हमारे पास क्या आया, 2 माइनस 8 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8, 2 3 6 प्लस 5 4 20, उसके बाद 3 इंटू 1 इज 3 एंड 2 माइनस 2 इज माइनस का 4, उसके बाद 3 इंटू 3 इज 9 और 2 इंटू 5 इज 10। तो जब मैंने इनको सॉल्व करा तो क्या आया हमारे पास, -6 26 -1 और 19। तो ये आ गया हमारा a इंटू बी मल्टीप्लाई करने पे। अब इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो आप खुद कर सकते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या कह रखा है कि हमें मल्टीप्लीकेशन करनी है b इंटू a की। तो ये आप होमवर्क में लिख सकते हैं।
हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू का थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट बहुत ही ज्यादा इजी है और सेकंड पार्ट भी इजी है, तो हम थर्ड पार्ट देखेंगे क्योंकि इसमें 3x3 की एक मैट्रिक्स है। तो हमें 3x3 की मैट्रिक्स में कैसे ऐड करना है, तो सिंपल है, एलिमेंट टू एलिमेंट ही ऐड होगा। और हम इसको कैसे लिखेंगे, -1 + 12, 4 + 7, -6 + 6, 8 + 12, 5 + 0, 5 + 0, 16 + 5, फिर 2 + 3, 8 + 2, 5 + 4। तो अब सिंपल है, यहाँ पे हम एडिशन लगा सकते हैं। तो जब मैंने एडिशन लगाया तो क्या है हमारे पास, 11 -6 + 6, तो ये हो गया 0, अब ये हो गया 20, ये हो गया 5, ये हो गया 21, फिर ये हो गया 5, ये हो गया 10 और ये हो गया 9। तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर टू के पार्ट थर्ड का। अब इसी तरीके से पार्ट फोर है, तो पार्ट फोर में आपको एक अलग क्वेश्चन करके दिखाता हूँ जो सेम है पार्ट फोर से जो क्वेश्चन नंबर टू में है, बट मैं वैल्यूज चेंज कर दूंगा थोड़ी, तो वो भी आप खुद ही कर सकते हैं। तो जो पार्ट फोर क्वेश्चन है उसके अंदर हमें क्या कह रखा है कि कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस, यहां पे लिख देता हूं मैं, जो दूसरी मैट्रिक्स है हमारी वो क्या है, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। तो अब इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो हमने देखा इसका भी ऑर्डर 2x2 है और इसका भी ऑर्डर 2x2 है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम एलिमेंट टू एलिमेंट ऐड करेंगे। तो जब मैंने ऐड करा तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स सॉरी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री में और क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का, और ये वैल्यू क्या होती है हमारी 1। तो अब कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स भी 1 हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स भी 1 हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स भी 1 और कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर भी 1। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, 1 1 1 1 1। अब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में देखा था कि कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 1 हो उसको हम क्या कहते हैं, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको हम आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 और पार्ट 4। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। मैं 3 पार्ट में बनानी पड़ेगी भैया ये वीडियो।
तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है मैट्रिक्स की, और इसके अंदर हम इसका पार्ट वन देखेंगे और पार्ट फोर देखेंगे। बाकी क्वेश्चन आप खुद होमवर्क में कर सकते हैं, और किसी बच्चे को अगर नहीं आता है तो हमें व्हाट्सएप नंबर पे बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं, हम उसके एक वीडियो ले आएंगे। फिलहाल अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो इसके अंदर हमें दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो सबसे पहले हमें इसका ऑर्डर देखना पड़ेगा। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2x2, और इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2x2। तो हमें दिख रहा है कि इसका नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है नंबर ऑफ रोज के इस वाली मैट्रिक्स के, तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन हो सकती है और जो रिजल्ट आएगा वो एक 2x2 की मैट्रिक्स की होगी। तो अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका जो रो 1 है वो इसके कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगा और कॉलम 2 से मल्टीप्लाई होगा, और जो रो 2 है वो कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगा फिर कॉलम 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ए इंटू ए, ए इंटू ए फिर प्लस बी इंटू बी, फिर ए इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू ए, ब्रैकेट क्लोज, माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी, फिर माइनस बी प्लस ए इंटू ए। तो जब हमने इसकी मल्टीप्लीकेशन करी तो हमारे पास क्या आया, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए इंटू माइनस बी क्या हो गया, माइनस ए बी, प्लस बी इंटू ए क्या हो गया, प्लस बी ए या ए बी, फिर माइनस बी इंटू ए इस माइनस बी ए प्लस ए इंटू बी ए बी, फिर माइनस माइनस प्लस और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे देखा माइनस ए बी प्लस बी ए, तो इस ये भी ए बी है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो नेट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जीरो जीरो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट फर्स्ट का। हम देखते हैं पार्ट फोर। तो पार्ट फोर के अंदर हमें क्या दे रखी है, 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है। तो 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है तो हमें दिख रहा है इसकी मल्टीप्लीकेशन हो सकती है, और जो रिजल्ट आएगा इसका वो भी एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। तो इसमें भी हम सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, रो 1 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, रो 2 सॉरी रो 1 कॉलम 3। तो सबसे पहले हमें एक रो ले लेनी है, उसके बाद उसके हर एक कॉलम से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर। तो हम देखते हैं पार्ट फोर क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो हमारे पास यहाँ पे 3x3 की एक मैट्रिक्स है, और ये भी हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स है, तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन हो सकती है, और जो रिजल्ट आएगा इनका वो भी एक ऑर्डर 3x3 की मैट्रिक्स होगी। अब इसका जो रो 1 है उसके कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर कॉलम 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर कॉलम 3 से मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरीके से रो 2 और रो 3 में भी हम सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम रो 1 ले लेते हैं, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3। अब कॉलम 2, तो 2 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0। अब थर्ड वाला मैं यहां ले लेता हूं, तो 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, ब्रैकेट क्लोज, रो 2 कॉलम 1, तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3, फिर 3 इंटू माइनस 3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। अब रो 2 कॉलम 3, 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5। अब रो 3 कॉलम 1, 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2 सॉरी 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3, फिर 4 इंटू माइनस 3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0। अब 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5। तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी रो किसी भी गलत एलिमेंट से मल्टीप्लाई ना हो जाए, वरना हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब हमने सबको एक ऑर्डर में अरेंज कर लिया, हम इनकी मल्टीप्लीकेशन करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 प्लस 12 तो ये हो गया 14, ये हो गया था 2, ये हो गया था 0 और ये हो गया था 12।
फिर 3 + 0 + 15, 5 + 0 + 18, -12 + 10 + 36, -9 + 8 + 0, -6 + 6 + 0, और ये 10 + 12 + 20, 15 + 16 + 25, 20 + 20 + 30. अब इन सब की एडिशन करके लिख देंगे यहाँ पे, तो 2 + 12 = 14, -6 + 6 = 0, और 0 ऑलरेडी है तो ये क्या हो गया हमारा 0. अब 10 + 12 + 20 तो ये कितना हो गया हमारा 42. 3 + 0 + 15 तो ये हो गया हमारा 18. -9 + 8 तो ये हो गया -1. फिर 15 + 16 + 25 तो ये हो गया हमारा 56. फिर 20 + 20 + 30 तो ये हो गया हमारा 70. फिर -12 + 36 और 10 तो ये कितना हो गया हमारा 34. फिर 4 + 0 + 18 तो ये हो गया हमारा 22. तो ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 की मैट्रिक्स का. तो हमें सबसे पहले क्या करना है, रो 1 की कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 से मल्टीप्लाई, और फिर हम इसको इस ऑर्डर में लिख लेंगे, फिर सबकी मल्टीप्लाई करके एडिशन करके, और ये हमारा नेट आंसर आ जाएगा. याद रखना हमें काफी ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा कि हर एक एलिमेंट अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो, अदरवाइज यहाँ पे अगर हमने एक भी गलती कर दी तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, और बोर्ड में ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का भी आता है. तो अगर मैंने लेट सपोज यहाँ पे मैंने 5 × 3 ना करके 5 × 2 कर दिया होता गलती से, तो ये पूरा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता. आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें.